नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के YouTube चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। महुआ मोइत्रा आज उन 42 सांसदों के क्लब में आ गई जो 1988 के बाद आज तक जिनका निष्कासन लोकसभा से हुआ। महुआ मोइत्रा पे आरोप थे कि उन्होंने रिश्वत लेके किसी उद्योगपति को फायदा पहुंचाने के लिए लोकसभा में सवाल डाले। लोकसभा का जो अपना पोर्टल है उसका पासवर्ड और एसएस किसी प्राइवेट कंपनी को देके राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाला। कहानी घर के बेडरूम से शुरू होती है और वो झगड़ा जब बाहर पहुंचता है तो उनके एक अभिन्न मित्र जो वकील भी है, उन्होंने सीबीआई में एक पत्र लिखकर कहा कि तृणमूल कांग्रेस की ये सांसद सवाल पूछने के लिए उद्योगपतियों से पैसे लेती, इसकी जांच। महुआ मोइत्रा के और निशिकांत दुबे का 36 का आंकड़ा। निशिकांत दुबे बीजेपी के सांसद, कॉर्पोरेट सेक्टर में बड़ा नाम, लेकिन महुआ का लगातार अडानी के ऊपर हमलावर होना, निशिकांत के खिलाफ फ्रंट खोलना, निशिकांत ने उनके निजी जीवन के बारे में फ्रंट खोलना, ये लड़ाई रस्ते की पार्लियामेंट पे आ गई। दुबे जी ने उस पत्र का सहारा लेकर, सीबीआई ने तो बहुत बाद में कॉग्निजेंस लिया, लेकिन दुबे जी ने तुरंत उस पत्र के सहारे बिरला जी को रिक्वेस्ट की कि एथिक्स कमेटी के पास मामला जाना चाहिए। मामला बिरला जी ने तुरंत एथिक्स कमेटी के पास भेजा। एथिक्स कमेटी ने तुरंत मीटिंग बुलाई। महुआ मोइत्रा उस मीटिंग में गई, गुस्से में बाहर आई। उनने कहा कि जो सवाल बहुत निजी और मुझे बदनाम करने के लिए थे वो पूछे जा रहे थे। सदस्यों का कहना था पत्र के अनुसार ही सवाल पूछे गए। मीटिंग में जो हुआ उसके बाद 6 लोग, जिसमें कांग्रेस के एक सांसद भी है, उन्होंने महुआ मोइत्रा के विरोध में मत दिया। बाकी 4 सांसद जो थे उन्होंने वॉकआउट किया विपक्ष के। विपक्ष के सांसदों के अनुसार सिर्फ 2.5 मिनट में सारे डिसीजंस हुए, ये एक फिक्स्ड मैच था। लेकिन 500 पेज की ये रिपोर्ट शीत सत्र में आने वाली थी, ये सबको पता था। पहले दिन ही वो सूची में लिस्टेड थी लेकिन नहीं पेश हो पाई। आज शुक्रवार के दिन 7वें नंबर पे जो एजेंडा था उस पे 7वें नंबर पे लिस्टेड थी और फिर ये 500 पन्ने की रिपोर्ट टेबल हुई। इस रिपोर्ट पर विपक्ष वोट डिवीजन भी मांग सकता है, मत विभाजन मांग सकता है, इसलिए बीजेपी ने सिंगल लाइन व्हिप जारी करके आज सभी सांसदों को सदन में आने की बात कही और आज महुआ मोइत्रा का निष्कासन हो गया। 1988 से लेकर अभी तक 44 सांसद है जिन्होंने निष्कासन से अपनी सदस्यता खो दी। महुआ मोइत्रा पे आरोप है और संगीन आरोप है कि उन्होंने एक उद्योगपति को अपने पोर्टल का एसएस दिया, उससे सवाल दलवाए बिजनेस की राइवलरी निपटाने के लिए, और वो देश के लिए सुरक्षा के लिए भी खतरा हो सकती है, उस पर भी एक्शन होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, ये रिपोर्ट इंगित करती है। सीबीआई ने मामला ऑलरेडी उठा लिया है। महुआ मोइत्रा वो एक तृणमूल कांग्रेस का पढ़ा लिखा चेहरा था, फॉरेन रिटर्न थी, कॉर्पोरेट सेक्टर की में बड़े ओहदे पे थी, बेहतरीन इंग्लिश में सरकार पे जब हमला करती तो संघ सरकार पसीना पसीना हो जाते। महुआ के तीखे बाणों से कई बार सरकार घायल होती हुई नजर आई। खासकर अडानी को लेके महुआ मोइत्रा ने इतने सवाल पूछे कि अडानी सेठ भी इसमें एक्टिव हुए, ऐसा कहे तो बड़ी बात नहीं। जब महुआ मोइत्रा की परेशानी तब बढ़ी जब उसके उद्योगपति मित्र दर्शन हीरानंदानी का एक अफिडेविट आया जो प्लेन कागज पे था, नीचे दर्शन हीरानंदानी का सिग्नेचर था, बड़ा पैराग्राफ का वो
लेटर कई चीजें इंगित करता है, जिसमें वो ये भी कहता है कि उसे एहसास था, उसने सवाल डलवाए, अडानी जी को खिलाफ उसकी कुछ अनबन थी, एक दो कॉन्ट्रैक्ट को लेके उसने फायदा उठाने का प्रयास किया। महुआ के विपक्ष के नेताओं के साथ अच्छे संबंधों को देखते हुए विपक्ष की सरकारें जिन राज्यों में है वहां बिजनेस एक्सप्लोर करने का भी प्रयास किया। इसके एवज में उन्होंने बहुत सारी गिफ्ट दी, उसके खर्चे उठाए। कई बार वो खर्चे जरूरत से ज्यादा होते थे, लेकिन मरता क्या न करता, ये उस अफिडेविट का टोन था। वो एक अफिडेविट में एक पैराग्राफ बहुत बेहतरीन है, वो कहते हैं कि महुआ मोइत्रा बहुत ही एम्बिशियस थी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अपना नाम करने के लिए उसने मोदी जी को बदनाम करना चाहा, क्योंकि मोदी जी अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नेता है। जब मोदी जी को बदनाम करने की जगह नहीं मिली तो उन्होंने अडानी जी के खंधे पे बंदूक चला के मोदी जी को बदनाम करने का प्रयास किया। ये पैराग्राफ कहीं ना कहीं लिपापोती वाला लगाई देता है। अब उसके बाद आईटी डिपार्टमेंट, होम मिनिस्ट्री, इन सभी ने अपनी रिपोर्ट दी, तो उसके बाद ये 500 पेज की रिपोर्ट सामने है। एक और आवाज जो सरकार को घेरती थी लोकसभा में आज बंद हो गई। हालांकि अब सरकार भी चुनाव के मोड में है, यदि चुनाव हो जाते तो अभी लोकसभा का एक सत्र बहुत छोटा है, उसके बाद एक आध सत्र होगा, इतना बड़ा लॉस नहीं। महुआ मोइत्रा फिर से चुनाव लड़ेगी, क्योंकि उसके चुनाव लड़ने पे रोक नहीं, ये कोई 2 साल की सजा नहीं है। हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 का जो कानून है उसकी धारा 8 सेक्शन ए और सेक्शन 2 के तहत प्रावधान है कि यदि कोई सांसद सदस्य या विधानसभा सदस्य हत्या, दुष्कर्म, धर्म, भाषा, क्षेत्र के आधार पे और हत्या करता है, दुष्कर्म का दोषी है, धर्म, भाषा के या क्षेत्र के आधार पर शत्रुता पैदा करने का काम करता है या आतंकी गतिविधियों में संलग्न पाया जाता है या संविधान को अपमानित कहता है करता है या कोई षड्यंत्र में शामिल होता है देश के विरोध में, तो उसकी सदस्यता जनप्रतिनिधि नियम अधिनियम 1951 की धारा 8(1)(2) के तहत उसकी सदस्यता निष्कासित हो सकती है। इसी धारा 8 का सबसेक्शन 3(3) ये भी कहता है कि इसके अलावा कोई भी ऐसा अपराध जिसमें 2 साल या उससे ज्यादा की सजा किसी सदस्य को सुनाई जाती है तो वो निष्कासित नहीं होता, 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर भी उसके ऊपर प्रतिबंध लगता है। 1988 से जैसे मैंने कहा 42 सदस्यों की अब तक सदस्यता जा चुकी है। 14वीं लोकसभा में सबसे ज्यादा यानी 19 सदस्यों की सदस्यता गई थी। ये वही समय है जिसमें पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप लगाया था, कैश फॉर क्वेरी। यही कैश फॉर क्वेरी का आरोप महुआ मोइत्रा पे भी लगा है। लेकिन जब उन 2005 में 14वीं लोकसभा में जब लोग निष्कासित हुए, उसमें बीजेपी के 6 थे, बीएसपी के 2 थे, आरजेडी का 1 था और कांग्रेस का 1 सांसद था, तब अपने 6 सांसदों के बचाव के पक्ष में लालकृष्ण अडवाणी जी ने यह जरूर कहा था, विपक्षी नेता है, कि इनका गुनाह इतना जबरदस्त, इतना बड़ा नहीं था कि उन्हें निष्कासित किया जाए। लेकिन आज टेबल बदल चुकी है, आज बीजेपी उस साइड पे है और ये तमाम बाकी दल विपक्ष में है। उसके बाद 9वीं लोकसभा, उसके पहले 9वीं लोकसभा सीट में वीपी सिंह की जनता सरकार में भी दल बदल अधिनियम के तहत कुछ लोग निष्कासित हुए थे। नरसिंह राव के समय भी 10वीं लोकसभा में भी कुछ लोग निष्कासित हुए थे। राज्यसभा से सत्यपाल मलिक 1990 में, शरद यादव 2017 में, अली अनवर 2017 में, शिबू सुरेन 2001 में, जया बच्चन 2009 में निष्कासित हुई थी। मुफ्ती मोहम्मद सईद भी 1989 में निष्कासित हुए थे। जया बच्चन और शिबू सुरेन ये दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में मैंने प्रॉफिट टेकिंग प्लेस पे थे। जया बच्चन किसी फिल्म कॉरपोरेशन की चेयरमैन बनी थी, उसके तहत हुए थे, बाकी दल बदल कानून के तहत हुए थे। आखिरी जो थे वो राहुल गांधी का मसला था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उनके सजा पे स्टे देने से उनकी सदस्यता वापस आई थी। महुआ मोइत्रा
ने क्या अडानी जी के खिलाफ फ्रंट खोल के गलती की या एक बढ़ती हुई आवाज को दबाने का प्रयास है। सबसे अहम सवाल है कि महुआ मोइत्रा का पोर्टल या महुआ मोइत्रा ने अपना पासवर्ड किसी उद्योगपति से शेयर करने से यदि महुआ मोइत्रा देश के लिए खतरा बन सकती है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, तो फिर यकीनन जिसने ये पोर्टल यूज किया रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों बराबर के जुर्म के हकदार है और सजा के भी हकदार है। ये कोई रिश्वत मांगने वाला सवाल नहीं था, ये महुआ मोइत्रा को ऑब्लाइज करके थ्रू सवाल पूछने के लिए पार्लियामेंट का उपयोग किया था। तो क्या दर्शन हीरानंदानी पे भी एक्शन होने का सवाल है? यदि महुआ मोइत्रा पे ये आरोप लगते हैं कि वो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए गंभीर समस्या बन सकती है या एक आतंकी गतिविधियों जैसा उस दृष्टि से उसको देखा जाता है, तो फिर उसके पार्टनर इन क्राइम जो है वो हीरानंदानी भी है। क्या हीरानंदानी को भी सजा मिल सकती है? क्या हीरानंदानी को भी पार्लियामेंट में बुला के उनकी उनकी पेशी होनी चाहिए कि उन्होंने कैसे सांसद को फंसाया और क्यों पार्लियामेंट के सवाल पूछने के सिस्टम का दुरुपयोग किया? लेकिन यदि वो जो अफिडेविट है दर्शन हीरानंदानी का, वो कहीं ना कहीं सरकारी गवाह बनने के तरफ इंगित करता है, उसका टोन ही सरकारी गवाह का है, और यदि सरकारी गवाह का वो टोन है तो क्या उन्हें फिर माफी दी जाएगी या सिर्फ महुआ मोइत्रा को ही सजा होगी? ये तो समय बताएगा। लेकिन महुआ मोइत्रा के साथ तृणमूल कांग्रेस पूरी ताकत के साथ खड़ी है, ये ममता बनर्जी ने 15 दिन पहले ही एक अधिवेशन में जोरदार तरीके से महुआ मोइत्रा का डिफेंड करते हुए बता दिया। विपक्ष महुआ मोइत्रा के इस मसले पर सदन कुछ दिन कुछ समय के लिए तो चलने नहीं देगा, लेकिन विपक्ष इतना कमजोर भी है क्योंकि संख्या बल इतना कम है कि वो इतनी ताकत के साथ सदन कितने दिन तक रोक पाएगा ये पता नहीं। कुल मिला के हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद राहुल गांधी और इसके बाद महुआ मोइत्रा, ये दो कैजुअलिटीज हम देखते हैं जिन्हें जब भी अडानी सेट पे हमलावर हुए तब तब या तो उनकी सदस्यता रद्द हुई या उन्हें और घेरने का प्रयास किया गया। ये 2023-2024 का जो रण है बड़ा अजीब है। इसमें मात्र राजनीतिक दल ही नहीं, सत्ता पक्ष और विपक्ष ही नहीं, यह कॉर्पोरेट सेक्टर का भी बड़ा रोल दिखाई देता है। एक तरफ हीरानंदानी, एक तरफ अडानी, इन दोनों की आपस में राइवलरी, यहाँ सत्ता पक्ष विपक्ष और इसको घेरने का प्रयास इन सेक्शन द्वारा। इसके पहले भी उद्योगपतियों ने हमेशा सांसदों का और पार्लियामेंट का उपयोग किया है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो पोर्टल का यूज है एसेस किसी एक प्राइवेट पार्टी को दिया, ये वाकई बहुत बड़ी गंभीर बात है। महुआ मोइत्रा को हम कहीं भी डिफेंड नहीं कर रहे, लेकिन ये भी है कि आईटी डिपार्टमेंट ने सभी सांसदों के एक बार पोर्टल भी ठीक से चेक करने चाहिए। क्या महुआ मोइत्रा अकेली है या बाकी लोग भी ऐसा कर रहे हैं जिसकी जानकारी आईटी डिपार्टमेंट को नहीं या आईटी मिनिस्ट्री को नहीं? क्या सरकार कुछ ऐसा प्रावधान करने जाएगी या इस आईटी सॉफ्टवेयर में कोई ऐसा बदलाव होगा जिससे इस बात का डिटेक्शन होगा कि ये उनके अपने मेल से नहीं होते हुए किसी और आईपी एड्रेस से सवाल आ रहे हैं? ऐसे में क्या उच्च सांसद को नोटिस देकर सरकार कम से कम जवाब पूछ सकती है? कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई सांसद दुबई बैठा हो, किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठा हो और उन्हीं के टर्मिनल से या उन्हीं के सिस्टम से सवाल अपने पार्लियामेंट में डाला हो, तब हो सकता है कि आईपी एड्रेस बदले, लेकिन कुल मिला के मेल तो उन्हीं का होगा। या मेल का भी यदि नहीं है तो कम से कम ये तो पता पड़ सकता है कि वो सांसद उस समय दुबई में नहीं, तो फिर उस आईपी एड्रेस का उपयोग कैसा हुआ, वो लोकेशन कैसा हुआ। ये ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। यदि आईटी डिपार्टमेंट चाहे तो सभी सांसदों को स्कैन करके एक बार, हो सकता है कई और सांसद भी ऐसे होंगे, कई जगह तो ये भी दिखाई देते हैं कि बड़े बड़े उद्योग घराने अपने किसी ना किसी डायरेक्टर को सांसद बना के भी भेजते हैं। राजस्थान में हमेशा एक उद्योगपति की सीट राज्यसभा में बिका करती थी। महाराष्ट्र में भी शिवसेना की तरफ से, भले ही बात मराठी की करते हो, लेकिन किसी गुजराती या किसी बंगाली को भी उन्होंने सांसद बना के भेजा जो कॉर्पोरेट सेक्टर के होते थे।
तो कुल मिलाकर क्या संसद में लोगों को भेजना, शरद पवार ने एक बार बजाज को मदद करके संसद सदस्य बनाया, जो भगोड़ा विजय मल्ल्या है वो भी एक समय राज्यसभा का सांसद था, दाल मियां जी के पास भी सीट हुआ करती थी सांसद की। कुछ लोग राजनीति में सक्रिय होते हुए बिजनेसमैन थे, कुछ लोग बिजनेसमैन बनने के बाद राजनीति में सक्रिय हो गए, कुछ पत्रकार भी थे एक राजनीतिक दलों के सहारे सत्ता में आने का प्रयास करते थे, उसमें एम जे अकबर भी हो गए, प्रीतिश नंदी भी हो गए, उसमें अभी महाराष्ट्र से दो सांसद आ गए, वर्तमान में जो विधान राज्यसभा के उपाध्यक्ष है वो भी पत्रकारिता से वहां आए हैं। तो पत्रकारिता से लॉबिंग करते हुए या पत्रकारिता करते हुए किसी पार्टी की विचारधारा से इतने सक्रिय हो जाते हैं कि वो मेंबर जैसे काम करने लगते हैं। राउत महाराष्ट्र से थे, मराठी टाइम्स के संपादक थे, फिर बाद में वो वहां आ गए। अभी वर्तमान में जो संजय राउत है वो तो सामना के संपादक ही है, लेकिन सामना मुखपत्र है शिवसेना का, वो बात अलग है, लेकिन महाराष्ट्र टाइम्स के जो राउत थे तो महाराष्ट्र टाइम्स तो सरकार का मुखपत्र नहीं हुआ करता था। लोकसभा के भी एक हमारे सांसद, वो भी अभी कांग्रेस से राज्यसभा है। तो कई बार ये कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग जो आते हैं वो कोई देश सेवा के लिए नहीं आते या समस्या ग्रहण करने के लिए नहीं आते। 90% लोग ये अपना धंधा या धंधे को कैसी सहूलियत आगे बढ़ा सकते हैं इसलिए आते हैं। ऐसे ही पत्रकारिता से भी लोग या तो महत्वाकांक्षा हो जाती है राजनीतिज्ञों को कवर करते करते। राजीव शुक्ला जी वो उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। पत्रकारिता से क्रिकेट और क्रिकेट के साथ साथ राजनीति, वो दोनों जगह पे बेहतरीन राजनीतिज्ञ साबित हुए हैं। वो तो केंद्र में मंत्री तक बने हैं, वर्तमान गांधी परिवार के बहुत नजदीकी और क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के थ्रू अमित शाह के नजदीकी, ऐसे दोनों ताकतवर परिवार के नजदीकी रखने वाले राजीव शुक्ला भी ऐसे ही जुगाड़ किस्म के राजनीतिज्ञ हैं। राजनीति में जब लोग आते हैं, सामान्य लोगों की समस्या पूछने के लिए आते हैं, इस देश में क्या चल रहा है सरकार की जवाबदेही लेने के लिए आते हैं, लेकिन उस जवाबदेही के पीछे यदि ऐसा भ्रष्टाचार व्याप्त हो तो फिर कहीं ना कहीं चीजें बाहर आती हैं। महुआ मोइत्रा के जाने से एक आवाज खामोश तो हो गई, लेकिन फिर अभी तमाम विपक्ष के सांसदों को भी ये देखना होगा कि जब आप सरकार को सवाल पूछते हैं तो आप भी कटघरे में खड़े हो सकते हैं, इसलिए अपना दामन पाक साफ रखने की जरूरत है। क्या महुआ मोइत्रा ने दोस्ती की खातिर ये किया, या महुआ मोइत्रा ने अडानी के खिलाफ फ्रंट खोलने के लिए हीरानंदानी का मदद ली। पत्रकारिता में हमने अक्सर देखा है कि जब कोई आपके पास खबर लेके आता है या कोई बोलता है कि बहुत बड़ा स्कैंडल है, तब एक जान लीजिए उस स्कैंडल के या उसके एक्सपोज होने से जिसका नुकसान होता है, इसका मतलब जरूर किसी को फायदा भी होता है। जिसको फायदा होना होता है वही कागज लेके आपके पास आता है, या कोई पत्रकार किसी उद्योगपति का भांडा फोड़ने के लिए उसके राइवल के यहाँ जाके भी इंफॉर्मेशन जुटाने का प्रयास करता है। क्या मोहिया मित्रा ने इसी के तहत हीरानंदानी का उपयोग लिया? हीरानंदानी और अडानी एक दो जगह टेंडरिंग में आमने सामने थे। कई सवाल है जिसके जवाब मोहिया मित्रा और हीरानंदानी दे सकते हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि मोइत्रा के ऊपर जो एक्शन हुई उसमें हीरानंदानी कैसे छूट गए, ये सवाल एथिक्स कमेटी को देना चाहिए, इस सदन को भी देना चाहिए जिसके ऊपर इस देश का करोड़ों रुपए खर्चा होगा। आज इतना ही, फिर आता हूं किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत अंजुम जी का यूट्यूब चैनल।